गर्मियां आ गई हैं तो सबका मन करता है कि कुछ रिफ्रेशिंग ड्रिंक पीने को मिले। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 6 अलग-अलग तरह के रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। नमस्कार दोस्तों, यमी इंडियाज किचन में आपका स्वागत है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल बटन को भी दबा लें जिससे कि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए हमने 1 कप चीनी लिया है और 1 कप ही पानी भी लिया है। अब हम तेज आंच पे चीनी को पिघला लेंगे। चीनी हमारा अच्छी तरह से पिघल गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। तो चलिए अपना पहला ड्रिंक शुरू करते हैं। यह है स्ट्रॉबेरी लेमनेड। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 5-6 स्ट्रॉबेरी ले लिया है। स्ट्रॉबेरी का हम ये पार्ट निकाल देंगे और इसे 2 भाग में कट कर लेंगे। ये हमने सारे स्ट्रॉबेरी को कट कर लिया है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें इसको हम डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। ये स्ट्रॉबेरी को हमने ग्राइंड कर लिया और उसके बाद उसे छन्नी में छान लिया है। ये उसका पल्प हमें मिल गया है। अब हम इसे ग्लास में डाल लेंगे। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसमें आइस डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरी के पल्प। इसमें डालेंगे अपने ये शुगर सिरप, 1 या 2 चम्मच काफ़ी है। आप अपने स्वाद के हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम चला लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे सोडा या स्पार्कलिंग वाटर। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा काला नमक। इसे हम मिला लेंगे और ये हमारा स्ट्रॉबेरी लेमनेड बन के तैयार हो गया है। इसे हम स्ट्रॉबेरी से गार्निश कर लेंगे। तो चलते हैं अब दूसरे ड्रिंक की तरफ। अगला हमारा ड्रिंक है वाटरमेलन का शरबत। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लगभग 2 पीसेस वाटरमेलन ले लिए हैं। ये लगभग एक छोटे तरबूजे का 1/4 भाग है। अब इसे भी हम एक ग्राइंडर में डालकर उसे पीस लेंगे और उसके बाद उसे छान कर इसके बीज वगैरह निकाल लेंगे। ये हमने वाटरमेलन को पीस कर छान लिया है। अब हम इसे ग्लास कर लेंगे। ग्लास लेते हैं, इसमें सबसे पहले हम डाल लेंगे आइस। अगर आप आइस ना डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे शुगर सिरप, 2 बड़ा चम्मच। इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। अब हम इसमें डालेंगे ये वाटरमेलन। इतना कम से कम 3 ग्लास के लिए काफी था। अब हम इसमें डाल लेंगे पानी। आप चाहें तो आप सोडा भी यूज कर सकते हैं। मैं इसमें पानी डाल रहा हूं और इसमें डाल लेंगे हम थोड़ा सा काला नमक भी। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमारा तरबूज का शरबत बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम तरबूज के एक छोटे से टुकड़े से गार्निश कर लेंगे। ये हमारा तरबूज का शरबत बन गया है। अब चलते हैं तीसरे ड्रिंक पे। तीसरा ड्रिंक है रेसबेरी एंड ब्लैकबेरी लेमनेड। उसके लिए हमने लगभग यहाँ पे 6-7 रेसबेरी लिया है और 6-7 ब्लैकबेरीज लिया है। इनको अब हम एक मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। उसके बाद हम इसे छान लेंगे। ये हमने रेसबेरी और ब्लैकबेरी का पल्प निकाल लिया है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसके लिए हम ग्लास में सबसे पहले आइस डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पल्प इसका। इसके साथ हम इसमें डाल लेंगे ये शुगर सिरप। साथ में हम डाल लेंगे लेमन का जूस और उसमें डालेंगे सोडा। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से चला लेंगे। देखिए कितना कलरफुल ड्रिंक है ये।
और ये हमारा रास्पबेरी और ब्लैकबेरी का लेमनेड बनके तैयार हो गया है। चलिए अब चलते हैं चौथे ड्रिंक की तरफ। चौथा ड्रिंक है हमारा ऑरेंज मॉकटेल। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे चार छोटे छोटे संतरे लिए हैं। हम इसका जूस निकाल लेंगे। आप चाहें तो बाजार का जूस भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका जूस निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये हमने ऑरेंज का जूस ले लिया है। अब हम चलिए इसे ग्लास कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स। ये इसमें हमने आइस क्यूब्स डाल लिए। अब हम इसमें डाल लेंगे ये जूस। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। इसमें डालेंगे हम अपना ये चाशनी, दो चम्मच चाशनी डाल दिया इसमें हमने। इसमें डालेंगे नींबू का रस। अब हम इसमें डाल लेंगे सोडा। और इसे अच्छे से चला लेंगे। ये लीजिए, ये हमारा ऑरेंज मॉकटेल बनके तैयार हो गया है। अब चलते हैं हम अपने पांचवें ड्रिंक की तरफ। पांचवा ड्रिंक है हमारा पाइनएप्पल लेमनेड। तो उसे बनाने के लिए हमने थोड़े से पाइनएप्पल ले लिए हैं। इसे अब हम एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, पीस लेंगे और उसके बाद हम उसे छान लेंगे। ये हमने पाइनएप्पल का पल्प निकाल लिया है। चलिए अब हम इसे ग्लास कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस ग्लास में आइस क्यूब्स डाल लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा काला नमक। जो भी सिट्रस ड्रिंक है उसमें काला नमक का स्वाद बहुत अच्छा आता है। चलिए अब हम इसमें चाशनी डाल लेते हैं। तो दो चम्मच चाशनी डाल लेते हैं इसमें। और इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे ये पाइनएप्पल। अब हम इसमें डाल लेंगे सोडा और थोड़ा सा नींबू का रस भी। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा ड्रिंक बनके तैयार हो गया है। चलिए अब चलते हैं छठे और आखिरी ड्रिंक पे। छठा ड्रिंक है कीवी मोहितो। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कीवी ले लिया है जिसे छिल लिया है, और साथ में मैंने 7-8 पुदीने के पत्ते ले लिए हैं। अब हम एक ग्लास लेंगे, सर्विंग ग्लास, और इसमें हम डालेंगे ये कीवी। इसे हम दो भाग में काट देते हैं। साथ में हम डाल लेंगे ये पुदीने के पत्ते, सफेद नमक, ये शुगर सिरप दो चम्मच, नींबू के टुकड़े दो। अब हम इसे इस तरह से क्रश करेंगे। आप बेलन यूज़ कर सकते हैं या कोई सा भी लकड़ी का पैचोला हो अगर तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इस तरह से करना है जिससे कि ये सारा कुछ इस पर मिक्स हो जाए, पुदीना अच्छे से मिक्स हो जाए, इसको अच्छे से मिला लेना है हमें। इसको हमने क्रश कर लिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे सोडा। और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें कीवी मैंने थोड़ा ज्यादा डाला है, वैसे आप आधे कीवी से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा और सोडा डाल देंगे। और ये हमारा कीवी मोहितो बनके तैयार हो गया है। तो सारे ये हमारे ड्रिंक्स बन गए हैं। ये लीजिए, ये 6 रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक बनके तैयार हो गया है। गर्मियों में आप इसका लुफ्त उठाइए। अगर आपको ये रेसिपीज अच्छी लगी हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में हमें लिख के बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने इन सारे ड्रिंक के इंग्रेडिएंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिस्ट कर दिया है, आप वहाँ से सारी सामग्री देख सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें, उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग।